This video is of class 3 GK. In this video, we are going to learn two chapters, that is chapter 1 safety and chapter 2 moods. Hello students, how are you all? Are you fine? Taking care of your health? Okay. So let's proceed to our chapter. Our first chapter is safety. Safety मतलब सावधानी. हमें बहुत जगहों पर सावधान रहना होता है. And as a child, you must be more careful. You should take more safety precautions or safety measures about yourself, for yourself. Here are some safety measures that every child must know and follow to keep himself away from danger. इस चैप्टर में हम कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हर बच्चों को आना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए टू कीप themselves अवे फ्रॉम डेंजर. अपने आप को खतरों से दूर रखना चाहिए, हमें कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए. तो हम इस चैप्टर में कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ, आप सबको कुछ भी सेफ्टी, कोई भी सेफ्टी मेजर्स आप सबको पता है? आपको पता है सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर जीके. Here we will learn about kinds of different types of safety measures that every child must know. And don't only know, you have to follow this. You have to follow these safety measures in your daily life. So we will look forward. Different types of safety measures that we should know. So let's get started. The first one is do not talk with strangers. Do you talk with the strangers? क्या आप लोग strangers से बात करते हो? Stranger मतलब अजनबी, जिनको हम लोग पहचानते नहीं हैं. तो हमें कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स. द सेकेंड वन इज स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड गैस स्टोव. हमें फायर से, आग से और गैस स्टोव से दूर रहना चाहिए. जब भी हमें कुछ ऐसी नीड हो जिसमें हमें फायर या गैस स्टोव के साथ रहना हो, तो मेक श्योर आपके एल्डर्स आपके साथ हो, आपके बड़े आपके साथ हो. सो द सेकेंड पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम फायर एंड गैस स्टोव. नाउ द थर्ड पॉइंट इज
Do not lean your body parts out from school bus. Not only from school bus, from any vehicle. ज़रूरी नहीं कि स्कूल बस से किसी भी व्हीकल में आप बैठो तो अपने बॉडी पार्ट्स विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए. वी शुड नॉट लीन अवर बॉडी पार्ट्स आउट फ्रॉम स्कूल बस. क्या आप लोग ऐसा करते हो? नहीं ना, आप लोग गुड बच्चे हो. सो यू शुड नॉट लीन योर बॉडी पार्ट आउट फ्रॉम स्कूल बस. नंबर फोर्थ, Do not play with sharp objects. Here you can see in the picture the knife is very sharp. चाकू बहुत ही sharp होता है, तो हमें कभी भी sharp objects के साथ खेलना नहीं चाहिए. इससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारे हाथ कट सकते हैं, हमें चोट पहुँच सकता है. So do not play with sharp objects. Number 5. Do not hit others. हमें कभी भी किसी दूसरे को, हमारे फ्रेंड्स को या किसी भी अदर पर्सन को हिट नहीं करना चाहिए. ये बहुत बुरी आदत होती है. सो वी शुड नॉट हिट अदर्स. क्या आप लोग अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को हिट करते हो? नहीं ना. यस, डू नॉट हिट अदर्स. डू नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स. हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए, हमारे फ्रेंड से भी नहीं और हमारे क्लासमेट से भी नहीं. डू नॉट फाइट विथ योर क्लासमेट्स. सेवेंथ, डू नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर से खाने की चीज़ें नहीं लेना चाहिए. कोई भी स्ट्रेंजर अगर हमें कुछ खाने को दे तो हमें उनसे नहीं लेना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए. डू नॉट टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. नेक्स्ट, ऑलवेज यूज द फुटपाथ. कभी भी जब हम वॉकिंग करते हो तो हमें रोड के फुटपाथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. ऑलवेज यूज द फुटपाथ. नंबर 10, डू नॉट जंप और रन ऑन डेस्क इन द क्लासरूम. आप लोगों में से कोई ऐसा करता है क्या? डेस्क पर जंप करता है, रन करता है? नहीं ना, ये सब बुरी आदत होती है, बैड मैनर्स होता है, ये नहीं करना चाहिए. डू नॉट जंप और रन ऑन डेस्क इन द क्लासरूम. सो दीज वेयर द सेफ्टी मेजर्स दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक. लेट्स रिपीट इट अगेन. द फर्स्ट वन, डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर. स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव एंड फायर. डू नॉट लीन योर बॉडी पार्ट्स. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट. डू नॉट हिट अदर्स इन द प्लेग्राउंड. Do not fight with your classmates. Do not take eatables. Now, from here starts our chapter 2, moods. Our moods change according to our situation. Yes, सबके अलग अलग मूड होते हैं. कोई हैप्पी होता है, कोई सैड होता है. तो हम लोग इस चैप्टर में फेस रिकॉग्नाइज करेंगे. Changes according to the situation. हमारा मूड हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम खुश रहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम स्माइल करते हैं. जब हम अपसेट होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं. और इफ जब हमें बहुत डर लगता है तो हम क्या हो जाते हैं? फ्राइटेंड हो जाते हैं. वी कैन जज द मूड ऑफ अ पर्सन बाई लुकिंग एट हिज फेस. हम लोग किसी पर्सन का फेस देख करके जज कर सकते हैं कि उसका मूड कैसा है. सो दिस इज सैड फेस. दिस फेस इज सैड. जब हम लोग अपसेट हो जाते हैं तो हमारा फेस ऐसा हो जाता है. सो दिस इज सैड फेस. नाउ लुक
दिस इज हैप्पी। जब हम लोग खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, तो ये एक हैप्पी फेस है। सी हाउ इज इट स्माइलिंग। नाउ द थर्ड इज लाफिंग। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या जब हम कोई जोक सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ना, उसे हम लाफिंग कहते हैं। दिस इज अ लाफिंग फेस। दिस इज फ्राइटेंड। जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, जब हम घर पे अकेले होते हैं या किसी चीज़ से कोई मिस्टेक हो जाती है हमसे, तो हमें बहुत डर लगता है, तो हम फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो हम इस तरीके का फेस बनाते हैं। दिस इज सरप्राइज। जब हमें कुछ शॉक लगता है या हम कुछ चीज़ देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, तो वी मेक लाइक दिस फेस। दिस इज अ सरप्राइज फेस। दिस इज एंग्री। यू नो ना, आप लोग को भी गुस्सा आता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा फेस ऐसा बन जाता है, तो ये एक एंग्री फेस है। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दिस इज एन एंग्री फेस। थैंक यू।